सीएससी ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के सीएससी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम जानने वाले हैं कि ऑनलाइन सीएससी पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ, हर एक बिंदुवार एकदम कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना के आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों तो वीडियो एंड तक पूरा देखना है, जिससे कि आप एक नया ई श्रम कार्ड बनाना सीएससी पोर्टल के माध्यम से बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सीएससी से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए दो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, पहला है आधार कार्ड और दूसरा है दोस्तों बैंक डायरी। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट है तो किसी को भी आप ई श्रम कार्ड बना के दे सकते हैं। तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आगे की कंप्लीट जानकारी ई श्रम कार्ड बनाने की आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए इस पोर्टल पे आ जाएंगे, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सीएससी की आईडी व पासवर्ड डाल के इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार से टाइमिंग आएगा, फिर दोस्तों ये ऑप्शन ओपन होगा तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टमर के मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे। कस्टमर के मोबाइल फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपका जो एक कैप्शन कोड दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे के ऐसे आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। ये कोड दर्ज करने के बाद दोस्तों जो आपके पास यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाने आया है वो EPFO या फिर ESIC का मेंबर तो नहीं है, मेंबर हैं तो यस करना है वरना फिर आपको नो करना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने अभी यहाँ पे दर्ज किए थे उस मोबाइल फ़ोन नंबर पे एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे, वह OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज करके सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे अगली स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ई श्रम कार्ड जिसका बनाना है उसके आधार कार्ड संख्या मांगे जाएंगे, आप आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बायोमेट्रिक के ऑप्शन का चयन करेंगे, फिंगरप्रिंट, आईरिस या फिर OTP के माध्यम से आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कैप्शन कोड दिखाई दे रहे हैं ये आप यहां पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों कैप्चर बायोमेट्रिक का ऑप्शन है आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोस्तों कस्टमर की जो फिंगरप्रिंट है वो बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर लगा देंगे। जैसे ही कैप्चर सक्सेसफुली हो जाएंगे इस प्रकार का मैसेज मिलेगा, आप ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो कुछ देर रह के यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से वैलिडेट का ग्रीन कलर में, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद ये आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, आप इसकी जांच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे जो ऑप्शन है कंटिन्यू का आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये आधार कार्ड की डिटेल है, इसके अंदर कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों एक मोबाइल फोन नंबर जो पहले दिए वो आ गए, दूसरे कोई डालने हैं ईमेल डालनी है तो वो डाल देंगे, फिर मैरिड स्टेटस लेंगे, मैरिड अनमैरिड, अगर मैरिड है महिला है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर दोस्तों पुरुष है तो फादर्स का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोशल कैटेगरी ले लेंगे यानी कि जाति क्या है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, तो जाति बिल्कुल सही लेनी है, यहाँ पे कोई भी गलती आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर लेंगे, 1 MB साइज में JPG अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड ग्रुप लेना है, अगर पता है तो भर ले वरना फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अगर विकलांग है तो आपको यस जरूर करना है और विकलांग कैटेगरी का चयन भी आपको जरूर करना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो रहने दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल आपको भरनी होगी, तो जिसको भी नॉमिनी यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद उसका जेंडर ले लेंगे और जो ई श्रम कार्ड जिसका बन रहा है उससे क्या रिश्ता है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही एंटर करनी है, बहुत सारे लोग ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेने, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले आप स्टेट लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप आगे का एड्रेस भरेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट ले लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करंट एड्रेस पे आ जाएंगे, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन लेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर अर्बन लेंगे तो यहाँ पे जो अर्बन सिटी है उसका नाम लिखने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अगर रूरल लेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले हाउस नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पे एरिया और विलेज का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे एरिया जो भी गांव के अंदर जहाँ पर भी वो बंदा रहता है वो एरिया और विलेज का नाम दोनों ही आपको इसी कॉलम के अंदर एंटर कर लेने हैं, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप स्टेट का चयन करेंगे कौन सा स्टेट है, उसके बाद जिले का चयन भी आपको बिल्कुल सही करना है। उसके बाद जैसे ही जिला लिया तो सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसका भी आप चयन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, ये मैंने सब डिस्ट्रिक्ट ले लिया। उसके बाद पिन कोड मैं यहाँ पे दर्ज कर लूँगा,
पिन कोड दर्ज करने के बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले वाले भाग के अंदर। दोस्तों यहां पे कुछ एक डिटेल है, जैसे कि दोस्तों आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो वो आपको लेना है। इसके अलावा कितने साल से आप करंट एड्रेस जो आपने ऊपर भरा है वहाँ पर कितने वर्ष से आप रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर ले लेना है। ये यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं 4 से 5 साल से हैं तो मैंने 4 से 5 साल यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक पॉइंटर है और वहाँ पे क्लिक किया हुआ यस का निशान अभी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पे क्या जो ऊपर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वरना फिर इस क्लिक को आपको यहाँ पे हटा लेना है। जैसे ही हटाएंगे तो नीचे आपको परमानेंट एड्रेस लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, वो बढ़ने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बनना है, बिल्कुल सही एजुकेशन क्वालिफिकेशन बनना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सही एजुकेशन आप ले लेंगे। एजुकेशन लेने के बाद दोस्तों मंथली इनकम आपको लेनी है, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मंथली इनकम आप ले लेंगे, वो भी बिल्कुल सही इनकम सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर लेंगे, नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू दबाएंगे, अगले वाला भाग पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बनना है कि जो ई श्रम कार्ड जिसका बन रहा है वो क्या काम कर रहा है, तो एनसीओ कोड एक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। तो ये एनसीओ कोड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्लीट लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से वो क्या काम कर रहा है बिल्कुल सही कैटेगरी का आप चयन करेंगे, सभी वर्क आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। इसमें से जो भी काम कर रहा है, जैसे कि मेरे इस मामलों में वो एग्रीकल्चर लेबर है तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ले लूँगा तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डिटेल आ जाएगी, इसका चयन मैं कर लूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वहाँ से एनसीओ कोड से कॉपी करके लेके इस चीज़ को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कितने साल से जो मैंने ऊपर कार्य भरा है एनसीओ कोड के अनुसार वो कितने साल से कर रहा है। इसके अलावा एक से अतिरिक्त काम कर रहा है तो सेकेंडरी भर लेंगे और यहाँ पे क्या काम का सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर लेंगे। इसके अलावा जो काम कर रहा है उसके बारे में कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है तो वो भर लेंगे, वरना नहीं ली तो नहीं आप रहने देंगे। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने काम कैसे सीखा, सेल्फ लर्निंग, लर्निंग ऑन जॉब, कहीं से सुन के सीखा या फिर अदर जो भी हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों स्किल टू अपग्रेड, यानी कि आप कौन सी स्किल इस जो आपने काम लिया उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग इसके संबंधित लेना चाहते हैं तो वो आप यहां पे ले लेंगे, जो भी काम आपने एनसीओ कोड के अनुसार भरा है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अंतिम वाले भाग पे आप पहुंच जाएंगे। अंतिम वाले भाग के अंदर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, बैंक खाते की कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी है और ये इस फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं करनी है। बैंक खाता संख्या जिसका ई श्रम कार्ड बन रहा है उसी की डालनी है और बिल्कुल सही बैंक खाता संख्या डालनी है। यहाँ पे अगर गलती करते हैं तो भविष्य में जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे बैंक खाते के अंदर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पे आप बैंक खाता संख्या लिख के कंफर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों अकाउंट होल्डर का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो भी बैंक डिटेल है वो अपने आप आ जाएगी, बैंक नाम और ब्रांच नेम अपने आप आ जाएगा, आप इसकी कंप्लीट जांच कर लेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि आपने कंप्लीट डिटेल सही फिलअप कर ली है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपकी दिखाई देने लग जाएगी जहां पे इस फॉर्म का प्रीव्यू बताने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको एक एक करके इस फॉर्म की कंप्लीट जांच कर लेनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल है जो आपने फिलअप की थी उसकी जांच करेंगे। उसके बाद जो नॉमिनी आपने नॉमिनेट किया है उसकी जांच करेंगे। उसके बाद एड्रेस की जांच करेंगे। फिर दोस्तों आप क्वालिफिकेशन की जांच करेंगे। उसके बाद जो भी आपने एनसीओ कोड के अनुसार वर्क लिया है क्या काम करता है उसकी जांच करेंगे, सही आया या फिर नहीं। उसके बाद बैंक खाते की जांच करना भी यहाँ पर ज़रूरी बनेगा। उसके बाद अंत में आप आ जाएंगे, अंत में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। कोई कमी लगती है तो एडिट पर क्लिक करके इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है तो सबमिट बटन दबा देंगे तो एडिट से सुधार कर सकते हैं यहाँ से, आपको इसमें कोई भी कमी लगे तो। और अगर आपको कोई भी कमी नहीं लग रही है तो एडिट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सबमिट बटन दबाएंगे और आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा जिसे आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था ऑनलाइन सीएससी पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाने का। तो दोस्तों कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी, उसके बाद अंत में यहाँ पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका था सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाने का। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दी। आपको कभी भी ई श्रम कार्ड बनाना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करें और आप ई श्रम कार्ड बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको ई श्रम कार्ड के अंदर सुधार करना और साथ ही साथ ई श्रम कार्ड को रीडाउनलोड करना भी सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।